फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए सो डैट कि जितनी भी सारे आपके रिलेटेड इलेक्ट्रिकल साइंस के या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के वीडियोज हैं आप प्रॉपर देख पाएँ। लाइक एंड कमेंट करिए, यदि कोई सजेशन है तब भी आप दीजिए सो डैट कि आपके और जो भी आपके कमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो देखने को मिले। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट, है ना। तो व्हेन एवर टॉकिंग अबाउट रेजोनेंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, व्हेन रेजोनेंस इज आइडेंटिफाइड विथ इंजीनियरिंग सिचुएशन विच इन्वॉल्व एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, वहां पे रेजोनेंस होता है जहां पे एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए मैकेनिकल की बात करेंगे तो आपका स्प्रिंग होगा, है ना, वहां पे फोर्स होगा। और इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमारे पास क्या होना चाहिए, कैपेसिटेंस होना चाहिए, इंडक्टेंस होना चाहिए। और एक चीज और है कि रेजोनेंस लेने के लिए हमारे पास एटलीस्ट दो एलिमेंट होना चाहिए, है ना। केवल सिंगल एलिमेंट होगा तो हमारा रेजोनेंस नहीं होगा। तो दस रेजोनेंस इज ए फिनोमिना फाउंड इन एनी सिस्टम इन्वॉल्विंग टू इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट विद इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक या व्हाटएवर, चाहे वो मैकेनिकल रेजोनेंस हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस हो, एटलीस्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, टू स्टोरिंग एलिमेंट हमारे क्या होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए। इफ वी हैव एसी सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस एल एंड कैपेसिटेंस सी कनेक्टेड इन सीरीज एंड अप्लाई स्मॉल वोल्टेज फ्रॉम ए सोर्स दैट कैन कीप द मैग्नीट्यूड ऑफ वी कॉन्स्टेंट बट वी कैन वेरी द फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या है कि हम रेजोनेंस के केस में, सीरीज रेजोनेंस के केस में वोल्टेज को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, और फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, हम लोग वेरी करते हैं। और एक टाइम आता है जहां पे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो होता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के इक्वल होता है। उस केस में हमारा वोल्टेज जो होता है ज़्यादा होता है, करेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। व्हेन VL इक्वल टू VC, जो हमारा करेंट की वैल्यू क्या होती है आपकी, मैक्सिमम होती है। इन देयरफोर जो सीरीज रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है, हमारे पास इसके लिए क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए, इंडक्टेंस होना चाहिए एंड कैपेसिटेंस होना चाहिए। द रेजोनेंट कंडीशन इन दिस केस इज कॉल्ड, जो हमारा सीरीज में कनेक्ट करेंगे इसको बोलेंगे सीरीज रेजोनेंस, और इन दिस केस द वैल्यू ऑफ करेंट इज मैक्सिमम। ओके, तो अभी हम देखने जा रहे हैं, अब हम एक जो टॉपिक है इस टॉपिक को डीप में डिस्कस करते हैं, सीरीज रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस, जो हमारा रेजोनेंस है, कौन सा रेजोनेंस है, सीरीज रेजोनेंस है। ओके, तो हम जब भी सीरीज रेजोनेंस की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए, इंडक्टेंस होना चाहिए एंड कैपेसिटेंस होना चाहिए, और तीनों जो हमारा क्या होगा, आपका सीरीज में कनेक्टेड होगा। ये रेजिस्टेंस हो गया, देन इंडक्टेंस हो गया, देन कैपेसिटेंस होगा, और तीनों जो हमारे क्या होंगे, सीरीज में कनेक्टेड होंगे, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। जो करंट होगी हमारी आई होगी, और जो भी हम सप्लाई देंगे हमारा भी इक्वल टू एसी सप्लाई है, तो भी नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, जो भी आर के क्रॉस ड्रॉप होगा उसको भी आर से डिनोट करेंगे, L के क्रॉस जो वोल्टेज होगा हमारा VL से डिनोट करते हैं, और C के क्रॉस जो वोल्टेज होगा हम उसको किससे डिनोट करेंगे, VC से। और हम एज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे VR इक्वल टू क्या बोलते हैं, I इंटू आर, और इसको लिखते क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। सिमिलरली VL इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, I इंटू XL, और ये क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस। सिमिलरली VC इक्वल टू क्या होता है, I इंटू XC, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। ओके,
और भी इक्वल टू हमारा क्या होता है, आई इंटू जेड टोटल रिजल्टेंट वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज भी इसको बोलते हैं। ओके अब मैं इसका यदि फेजर डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ सीरीज रेजोनेंस के लिए, तो जब भी हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस पे वो क्वांटिटी लेते हैं जो सर्किट में क्या होता है, सेम होता है। इन द केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट में क्या सेम होगा, करेंट हमारा क्या होता है सीरीज सर्किट में सेम होता है। अब मैं आर की बात करूँ तो प्योरली रजिस्टिव के केस में करेंट और वोल्टेज क्या होता है, दोनों सेम फेज में होता है। इंडक्टर के केस में वोल्टेज हमारा क्या करता है, पाई बाई टू से लीड करता है, ये वी एल हो गया। और कैपेसिटेंस के केस में हमारा वोल्टेज क्या करता है, पाई बाई टू से लैग करता है। तो इन द केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस हमारा जो वैल्यू होती है वी एल इक्वल टू क्या होता है, वी सी, इट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। हम क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या करती हैं, चेंज करते हैं, और एक टाइम आता है जहाँ पे वी एल जो होता है किसके इक्वल हो जाता है, आपकी फ्रीक्वेंसी वी सी के क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो लिखेंगे हम फॉर सीरीज रेजोनेंस, फॉर सीरीज रेजोनेंस क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। और मुझे फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या चाहिए, मुझे ओमेगा चाहिए। तो वी एल कैन बी रिटेन एज आई एक्स एल एंड वी सी कैन बी रिटेन एज आई एक्स सी। आई से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स एक्स एल इक्वल टू एक्स सी। तो ये भी बोलते हैं फॉर सीरीज रेजोनेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो ये गलत नहीं है। और एक्स एल कैन बी रिटेन एज ओमेगा एल, एक्स सी कैन बी रिटेन एज वन अपॉन ओमेगा सी। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन एल सी, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, टू पाई एफ। और ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, डेट्स वाई हम एफ आर से डिनोट कर दें, वन बाई एल सी। दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज फोर पाई स्क्वायर एफ आर स्क्वायर इक्वल टू वन बाई एल सी, यहाँ से एफ आर स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई स्क्वायर एल सी। एफ आर की वैल्यू निकालना है तो फोर पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा, टू पाई वन पाई वन अपॉन टू पाई वन बाई एल सी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर सीरीज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, एफ आर इज नोन एज सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके तो अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज रेजोनेंस, है ना। यदि सीरीज रेजोनेंस होंगे तो क्या क्या हमारी कंडीशंस होगी, क्या क्या हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो टॉपिक इज नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस। पहला पॉइंट, फर्स्ट नेट रिएक्टेंस इज इक्वल टू जीरो, नेट रिएक्टेंस इज जीरो। मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू क्या है, एक्सी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, जीरो हो जाएगी। नेट रिएक्टेंस इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, तो हम इंपीडेंस की वैल्यू क्या लिखते हैं, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस इन द केस ऑफ आर एल सी। तो ये दोनों इक्वल हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और ये रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा आर। इट मीन्स इम्पीडेंस किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स सर्किट बिहेव एज, इट मीन्स सर्किट जो बिहेवियर होगा, सर्किट बिहेव एज प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव। ओके, थर्ड
द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर कॉस फाई होता है, और कॉस फाई क्या होता है, आर वाई जेड, और ये दोनों इक्वल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, वन, मतलब यूनिटी. द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज यूनिटी. नेक्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ करेंट, द वैल्यू ऑफ करेंट आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई जेड, और जेड किसके बराबर है, आर, और आर ये क्या है, मिनिमम है, कम नंबर है. द वैल्यू ऑफ करेंट इज मैक्सिमम, क्या होती है, मैक्सिमम, जब सीरीज रेजोनेंस होता है उस फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है. दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज ऑल्सो नोन एज एक्सेप्टर सर्किट. क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर सर्किट. ओके, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर, क्यूएफ से डिनोट करते हैं, इक्वल टू वन बाई आर अंडर रूट एल बाई सी. तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है द एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी, कितनी एनर्जी स्टोर होगा ये कौन बताएगा आपका, क्वालिटी फैक्टर हमारा बताता है. द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर अभी फाइंड करेंगे, इसका भी डेरिवेशन है कि द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर, और इसका कोई रेशियो नहीं होता है, रीजन बिहाइंड दैट कि सर इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ये क्या होता है आपका, रेशियो होता है. एंड द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हाउ मच, एफ आर इक्वल टू वन अपॉन टू पाई अंडर रूट वन बाई एल सी. यूनिट क्या होगी आपकी, हर्ट होगी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेवेंथ, इट इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज रेजोनेंस. तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ द सीरीज रेजोनेंस. ओके, व्हेन द सर्किट इज इन रेजोनेंस द करेंट इज टू लार्ज एंड विल प्रोड्यूस लार्ज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. करेंट की वैल्यू क्या होती है हमारी, ज्यादा होती है, उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, ज्यादा होता है. विच विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन फेज एंड इच मे बी सेवरल टाइम्स ग्रेटर देन द अप्लाइड वोल्टेज. ये जो वोल्टेज होता है, जो अप्लाइड वोल्टेज से उससे क्या होता है, ज्यादा होता है. इफ रेजिस्टेंस आर वुड हैव नॉट बीन प्रेजेंट इन द सर्किट सच ए सर्किट वुड एक्ट लाइक ए शॉर्ट सर्किट. ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. ठीक है, इसीलिए टू करेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी टू विच इट रेजोनेट, सिंस इन दिस रेजोनेंस द वोल्टेज इज मैक्सिमम, इसकी वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, इट इज कॉल्ड वोल्टेज रेजोनेंस. है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्टेज रेजोनेंस बोलते हैं. और द सीरीज रेजोनेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एन एक्सेप्टर सर्किट बिकॉज ए सच सर्किट एक्सेप्ट करेंट एट वन पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी बट रिजेक्ट करेंट ऑफ द अदर फ्रिक्वेंसी. जिस फ्रिक्वेंसी पे हमारा करेंट हमारी मैक्सिमम होती है, आई मैक्सिमम होता है, वो हमारा एक्सेप्ट हो जाता है, वो सर्किट हमारी क्या हो जाती है, उतने रेंज की एक्सेप्ट हो जाती है, बाकी हमारी क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है. तो इसका जो एप्लीकेशन होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सीरीज रेजोनेंस को कहाँ पे यूज करते हैं, सच सर्किट आर यूज्ड इन रेडियो रिसीवर. ओके, तो थैंक यू वेरी मच. मेरे चैनल को, राय क्लासेज को अब लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, सो डैट की सारी वीडियो जब प्रॉपर देख पाए. ओके, थैंक यू वेरी मच.